नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता के राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 27 जून दिन सोमवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 27 जून 2022 दिन सोमवार, आज की तिथि चतुर्दशी, आज का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:22 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:04 से सुबह 11:14 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 2:43 से दोपहर 3:52 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है सफेद और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताएं। माता या पिता की सेहत पर आज आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपको दूसरों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हालांकि बच्चों को ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अपने जीवन साथी के किसी छोटी सी बात को लेकर बोले गए झूठ से आपके दिल को आहत महसूस हो सकता है। संभव है कि आज आपकी जीव को भरपूर मजा मिले, क्योंकि किसी उम्दा रिश्ते में जाना मुमकिन है और लजीज खाने का लुत्फ लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपको बताएं, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। अपने बच्चों के लिए योजना बनाने के लिहाज से अच्छा दिन है। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत ही खुशियां पाएंगे। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं होंगी। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ है। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। आपकी खूबियां आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगे, जो आपके लिए सुखद एहसास है। साथ ही आपको बताएं आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से सावधान रहें। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए जरूर कदम उठाने होंगे। जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे चलकर आपको पछताना पड़े। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज खुद को पूरा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसी एनर्जी के प्रयोग से ऑफिस के कई दिनों से रुका हुआ काम आप समय पर पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा है, लंबेट के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज कुछ लोग आपसे ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। आज आपको निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी भरकर रखें, रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं आज आपका मन कुछ अशांत रह सकता है। आज भले ही सब कुछ आपके पक्ष में हो फिर भी आपको कुछ कदम उठाने होंगे। अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बने, अपने नेतृत्व के गुणों को दिखाने का मौका प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन में आपके मूड से पार्टनर का मूड बनेगा। शादीशुदा लोगों का ग्रस्त जीवन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आज का दिन आर्थिक मामलों में कामयाबी मिलने का दिन है।
इसलिए आज का पूरा लाभ उठाएं। बिजनेस संबंधी नए काम की प्लानिंग के लिए समय अनुकूल है। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। बेरोजगार लोगों को आज जीवन बन के रोजगार का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज के दिन यश की प्राप्ति होगी। अपनी सुस्ती और समय पालन की कमी से आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आप किसी विपरीत लिंग व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जो प्रेम जीवन में उन्हें सुखद नतीजे मिलेंगे। आज धन संबंधी मामलों में निर्णय जीवन साथी के साथ मिलकर लें। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो लेन देन में उदार बने। बिजनेसमैन को आज नया इन्वेस्टर भी मिल सकता है। अपने ही दम पर और शांत मन से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा आपको उचित मिलना संभावना है। पति पत्नी के आपसी संबंध में नजदीक आएंगे। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। रिलेशनशिप संबंधी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह से आप सक्षम नहीं है। केवल भावनाओं को महत्व देकर रिलेशनशिप संबंधी को निर्णय ना लें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। काम की जगह आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों की वजह से नुकसान की भरपाई हो सकती है। व्यवसाय में काम काज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा परंतु आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से समाधान भी निकाल लेंगे। आप कार्य क्षेत्र में कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में आज का समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में नजदीकें आएंगी। आपकी व्यस्तता के कारण परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा। उसकी वजह से आपके आपसी संबंधों में काफी मधुरता आएगी और साथ ही पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे, पर थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रह सकता है। और साथ ही साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में आज का समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त होगी। व्यवसाय और परिवार दोनों जगह तालमेल बना रहेगा जिससे बेहतरीन वातावरण रहेगा। और आप छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, इससे आपके संबंध में कभी कटुता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम और सही रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त महसूस करेंगे और तनावपूर्ण महसूस भी करेंगे। या दोस्तों, आज का समय आपके स्वास्थ्य के मामले में काफी हद तक सही है। और दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा करने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।